देखिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आरसीएम। और आपको याद होगा कल की क्लास में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 9, जिसका मीनिंग था चार्जिंग सेक्शन। क्या था? चार्जिंग सेक्शन था। और हमने कल इस सेक्शन से रिलेटेड हमने कुछ बातें डिस्कस भी करी थी आपके साथ। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, चैप्टर का नाम है सेक्शन 9 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन। क्या नाम था? लेवी एंड कलेक्शन। अगर ये सेक्शन आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया तो फ्यूचर में आने वाली जितनी बातें होंगी वो सारी कवर हो जाएंगी। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, वो बात इससे रिलेट करती है, आरसीएम से रिलेट करती है। कल मैंने बताया था आपको आरसीएम के अंदर अगर सेक्शन 1 की बात करें तो हम सेक्शन 9 की, तो हमारे पास जो आरसीएम है वो बेसिकली कितने तरह का होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेवी और दूसरा होता है कलेक्शन। हमने कल ही बताया था लेवी मतलब होता है लगाना और कलेक्शन मतलब होता है चार्ज करना। क्या होता है? लेवी मतलब लगाना और कलेक्शन मतलब क्या होता है? चार्ज करना। मैं आप लोगों को हमेशा क्लास में तीन बातें बताता हूँ स्टार्टिंग में, आप शायद अभी भी नहीं बच्चे फॉलो कर रहे। नमस्ते। एक लेवी है और दूसरा क्या होता है आपका? कलेक्शन। एक लेवी और दूसरा कलेक्शन। कल हमने जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 9 में, सबसे पहला प्रोविजो क्या बताता है सेक्शन 9 का? सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 के। हम जो सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं इसका नाम चार्जिंग सेक्शन है। क्या नाम है? चार्जिंग सेक्शन। अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हैं और जीएसटी पढ़ने के साथ साथ अगर आपको चार्जिंग सेक्शन नहीं पता तो आप जीएसटी पढ़ ही नहीं सकते। जब ऐसे आगे फ्यूचर में आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो हर टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले हम उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ाते हैं, इस टॉपिक को क्यों चार्ज किया जाता है, इस पर टैक्स क्यों लगता है। तो इस केस में आपको भी पता होना चाहिए कि जीएसटी किन पर लगता है। और हमने कल आपको बताया था जीएसटी में चार तरह का एक्ट होता है, एक होता है सीजीएसटी एक्ट, एक होता है एसजीएसटी एक्ट, एक होता है आईजीएसटी एक्ट, एक होता है आपका यूटीजीएसटी। तीनों तो एक ही है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी एक ही है, लेकिन आईजीएसटी क्या है? अलग है, बाकी तो सब सेम है। सेक्शन 9 जिसका नाम है चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। कह रहा है सेक्शन 9 के किस सेक्शन को ध्यान में रखना? सेक्शन 2 को ध्यान में रखना। देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि हम यहाँ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों आए? क्योंकि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इंट्रा स्टेट जानते हो क्या होता है? इंटर स्टेट का मतलब होता है जब दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर स्टेट। और आप सभी जानते हैं उस पर सीजीएसटी और क्या चार्ज होता है? प्लस एसजीएसटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होता है। क्या होता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होता है। क्या वो विष्णु आवाज़ नहीं आ रही आपके मुँह से? पीछे देख दो लड़के और बैठे, इनके बोला नहीं जा रहा क्या आपसे? क्या बोला? जब दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचती है तो क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और जितना जितना होता है उसको कितना कितना लगता है? 50-50 लगता है। अगर मैं 18 लिखूं तो कितना कितना आ जाएगा? 9-9 आएगा। यही तो करते हैं हम लोग, यही बात इसने लिखी हुई है कि अगर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस लगेगा वो कब लगेगा? इंट्रा स्टेट पे लगेगा। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट। क्या कहते हैं आप? विद इन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्लियर। इसके बाद लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहल लीकर फॉर वुमेन कंजम्पशन। इसने कहा चाहे आप किसी को गुड्स बेचो, चाहे किसी को आप सर्विस बेचो, चाहे आप किसी को दोनों बेचो, उस केस में आपका क्या लगेगा? अगर आप लोकल माल बेचो तो इंट्रा स्टेट लगेगा। क्या लगेगा आपका? इंट्रा स्टेट। और क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला किस पर नहीं चार्ज होगा? एल्कोहल पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर एल्कोहल पर जीएसटी क्यों नहीं चार्ज है? क्योंकि जब जीएसटी बना था तो हमने अपने संविधान में लिख दिया था जीएसटी सब पर लगे, लेकिन किस पर नहीं लगेगा? एल्कोहल पर नहीं लगेगा। क्योंकि हाँ, तो लेकिन अभी जीएसटी नया नया है, स्टेट गवर्नमेंट को ये नुकसान है कि अगर कल को जीएसटी सक्सेस नहीं हो पाया मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास बैकहेंड में कुछ चीज रहनी चाहिए कि अगर मेरी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए थोड़ा सा तो मैं अभी इसको नहीं कवर कर रहा, अगर आप इस साल में लगता है कि मेरी इनकम ज़्यादा होगी तब इसको हम कवर कर लेंगे।
क्योंकि सबसे रेवेन्यू का बड़ा पार्ट तो यही है, इसलिए हर स्टेट इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और यही रीज़न है कि जीएसटी से ये बात। दूसरी बात यहाँ लिखी है ऑन द सप्लाई डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15, और सप्लाई किस रेट से करनी है वो बात किसके अंदर बताई गई है, सेक्शन 15 के अंदर बताई गई है। एंड सच रेट नॉट एक्सेडिंग 20%, और रेट कभी भी कितने ज़्यादा नहीं लगेगा, 20% से ज़्यादा नहीं लगेगा। सर आपने तो कल हमें बताया था कि बहुत से आइटम पे कितने परसेंट टैक्स है, 28%। कितना है? 28%। ये 28% में आपको पता होगा सीजीएसटी कितना होता है, 14%, और एसजीएसटी कितना होता है आपका, 14। तो टोटल मिला के 18 होता है ना, टोटल मिला के कितना होता है, 18, 28 होता है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं खाली ओनली सीजीएसटी की बात कर रहा हूँ, कितने ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, 20% से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आगे समझ में वाली बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो याद रखना कभी भी सीजीएसटी कितने परसेंट नहीं जा सकता, 20% से एक्सीड नहीं जा सकता। और यहाँ लिखा है एज मे बी बाय द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। और कौन पे करेगा, ये टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन हमने पढ़ा था कल सेक्शन 2 क्लोज 107 के अंदर, टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो लायबल है या फिर वो रजिस्टर्ड है, सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 22 क्या बताता था, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 24 क्या बताता था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, ये बात याद है। सेक्शन 2 बोलता है, सेक्शन 9 क्लोज 2 क्या बताता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, कि जैसे किस किस पर नहीं लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नहीं लगेगा, हाई स्पीड डीजल पर नहीं लगेगा, मोटर पर नहीं लगेगा, ठीक है, नेचुरल गैस पर नहीं लगेगा। पता है पेट्रोलियम को गवर्नमेंट ने क्यों मना, ये भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट इसे भी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन ये बात संविधान के अंदर नहीं लिखी, ये बात किसके अंदर नहीं लिखी, संविधान में नहीं लिखी। गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी हमें पेट्रोलियम पर क्या लगाना होगा, जीएसटी लगाना होगा, तो हम गवर्नमेंट की मदद लेके, जीएसटी काउंसिल की मदद लेके एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि आज से पेट्रोलियम पर क्या लगना स्टार्ट हो गया, जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया। वो तो बात की बात है, सामान सस्ते हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि पेट्रोलियम को भी बाहर रखा है। लेकिन ये बात किसके अंदर नहीं लिखी गवर्नमेंट ने, संविधान में नहीं लिखी, लेकिन किसके अंदर लिख दिया, जीएसटी लॉ के अंदर लिख दिया कि पेट्रोलियम लगेगा नहीं, लेकिन जिस दिन लगेगा गवर्नमेंट क्या कर देगी, इसे बस एक नोटिफाई कर देगी, और जिस दिन से पेट्रोलियम पर भी क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ एक वर्ड लिखा है, यहाँ लिखा है लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। गवर्नमेंट किसकी मंजूरी लेके, जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लेकर क्या लगा देगी, आरसीएम लगा, ओ क्या लगा देगी, पेट्रोलियम पर टैक्स लगा देगी। तो ये बातों को याद रखना है जो मैंने बताई। अब सबसे बड़ा सेक्शन तो ये जो बवाल क्रिएट करता है, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो इस सेक्शन में कोई जान नहीं थी, बस ये सेक्शन आया है ना, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। क्या प्रॉब्लम है, सेक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। गवर्नमेंट किसकी मंजूरी लेकर, काउंसिल की मंजूरी लेकर बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई, क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो चाहे वो बोथ हो, ठीक है, द टैक्स ऑन सच सेल बी पेड ऑन रिवर चार्ज बेसिस। कौन सा, रिवर चार्ज बेसिस, किस पर टैक्स चार्ज होगा, रिवर चार्ज बेसिस पर चार्ज होगा, बाय द रिसिपियंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाई टू द सच रिसिपियंट एज इफ इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन द रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ। सर हमें कुछ नहीं समझ आया, हमने जो पढ़ा ये हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगर हम किसी और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो हम समझ सकते। देखिए गवर्नमेंट ने दो चीज़ें बनाई थी, और हमने फर्स्ट सेशन से पढ़ा जीएसटी में दो ही चीज़ें, एक होता है लेवी, होता है कलेक्शन। लेवी मतलब होता है लगाना, कलेक्शन मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर लेना। कई बार गवर्नमेंट किसी चीज़ पर तो टैक्स लगा देती है, लेकिन उसे क्या नहीं कर पाती, कलेक्ट नहीं कर पाती। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी,
जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी, क्या लगा देगी, आरसीएम लगा दे, क्या लगा देगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करेगी, क्या करेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल करेगी। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है आप हमें बताएंगे? आइए मैं आपको रिवर्स चार्ज के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इसे क्लियर कर सकें। रिवर्स चार्ज की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या होती है, आरसीएम को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दीपक क्या बात है, आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आज सिंपल पहले समझते हैं रियल में होता क्या है। आप किसी दुकान पर जाते हैं, मान लो आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर मुझे कोर्स करना है, हमें सारा कोर्स करना है, अकाउंटिंग भी करनी है, बीजी भी सीखना है, टैली भी सीखना है, इनकम टैक्स भी करना है, टीडीएस भी करना है, एडवांस एक्सेल भी करना है, और बाकी जो भी कोर्स कराते हो वो सब हमें करना है। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ मैं तुम्हें कोर्स करा दूंगा। मैंने कहा हमारे कोर्स का नाम है एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस, हम आपसे फीस कितनी लेंगे, 10,000 रुपये स्टूडेंट से फीस लेंगे। आप जब हमारे पास आओगे तो 10,000 का 18% हम आपसे टैक्स लेंगे, कितना होगा वो 1800, और टोटल आप हमें कितना पैसा जमा कराओगे, 11,800 रुपये मैंने दोगे, 10,000 मेरी फीस और 1800 क्या दोगे आप, टैक्स के पैसे दोगे, किसके पैसे दोगे आप, टैक्स के पैसे दोगे। क्लियर है, ये मैकेनिज्म कहलाता है फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है ये, फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा कहलाता है ये, फॉरवर्ड चार्ज। होता क्या, आप किसी के पास जाते हो, आप सर्विस देते हो, टैक्स का पैसा देते हो, क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपसे टैक्स ले तो रहा हूँ लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा, तो गवर्नमेंट को मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है ना, हो सकती है, नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ने कहा जब भी मुझे कलेक्शन के अंदर दिक्कत आएगी तो मैं अपना क्या कर दूंगा, पैटर्न चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं अपना पैटर्न, मैं जिससे लेता था मैं उससे ना लेके किसी और से लूंगा, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां गवर्नमेंट को इशू क्रिएट हुआ वहां वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया। सर एक एग्जांपल बताइए, मैंने कई बार बताया है, आप जानते हैं एडवोकेट को, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कभी भी ना एडवोकेट को लोन नहीं मिलता, कभी भी एडवोकेट को हाउस नहीं मिलता, कभी भी एडवोकेट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, और एडवोकेट को कभी भी एनी अदर बेनिफिट नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता एडवोकेट को, देखिए होता क्या है, एडवोकेट के पास नॉलेज होती है कानून से रिलेटेड, अगर कोई किसी को डराना चाहे तो वो अच्छी तरीके से डरा सकता है कि आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आर्टिकल लग जाएगी, आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जब इनको लोन मिल जाता है नहीं, लोन की पेमेंट नहीं करते हैं या इंस्टॉलमेंट नहीं देते और आनाकानी करते हैं, चाहे इनका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, कुछ होंगे जो नहीं करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो हमें दिक्कत है इनसे, अभी कहानी समझ लेते, तो ये बंदे क्या करते हैं, लोन भी ले लेते हैं, अगर किसी, अगर तुम्हारे पास कोई हाउस है किराए पर दे दो, और जब खाली कराओगे तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लोग इनको, लोग इजी क्या नहीं देते, हाउस नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते, होता क्या है ये बेनिफिट तो लेते हैं, जब बात आती है पेमेंट करने की तब ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, इशू क्रिएट करते हैं, देते नहीं। मान लो मैंने लोन दिया इनको 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का मैंने इनको लोन दिया, अब मैं इनसे पैसा मांग रहा हूँ कि सर मुझे EMI भी दो और साथ साथ उसका इंटरेस्ट दो, ये कहते हैं भाई मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। अगर मैं इसके ऊपर केस भी करने बैठ जाऊँ, अगर मैं इसके ऊपर क्या करने बैठ जाऊँ, केस भी करने बैठ जाऊँ, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सर क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि ये तो कोर्ट में बैठा रहता है, ये क्या करता है, कोर्ट में ही बैठा रहता है, जब भी केस आए कोर्ट के चला जाएगा, ना तो उसका कोई पैसा लगेगा ना ही इसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसने क्या कहा, इसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इस समय प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, ये टैक्स तो ले लेता है लेकिन टैक्स जमा नहीं कराता, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हुई ना हुई, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पैटर्न को चेंज कर देगी। आइए पैटर्न को समझते हैं ध्यान से। मान लो मैं कंपनी हूँ जिसका नाम है SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, मैंने एडवोकेट से एक सर्विस ली, किसके लिए, एक सर्विस ली, मान लो मेरी एक पार्टी जिससे मुझे 10 लाख रुपये लेने थे, वो पार्टी पैसे नहीं दे रही थी,
मैंने इसके ऊपर इसकी मदद लेकर क्या कर दिया, एक केस एप्लीकेबल कर दिया, मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, एक केस डाल दिया। और इस पार्टी वाले ने या जो इस बंदा है जिसका नाम है गब्बर सिंह, इसने क्या करे 10 लाख रुपये मैंने वहाँ से निकलवा दिए, मुझे पैसे दे दिए। और इसने मुझसे कहा कि सर मैं आपसे 10 लाख रुपये मैं भी लूँगा। मान लो मेरे से इसने 10 करोड़ रुपये निकलवा दिए पार्टी से, अभी कहता सर मेरी सर्विस के कितने पैसे, 10 लाख रुपये मुझे सर्विस के दे दो। मैंने इसको 10 लाख रुपये दिए, ऊपर से कितना परसेंट दिया, 18% टैक्स भी दे दिया। टोटल मैंने इसे कितने की पेमेंट कर दी, 11,800 की पेमेंट, 11,80,000 रुपये की मैंने पेमेंट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इसने पैसा तो ले लिया, इसने क्या कर लिया, पैसा तो ले लिया, लेकिन जब बात आई गवर्नमेंट को जमा कराने की, आनाकानी करता था। गवर्नमेंट ने इसके पास था, गवर्नमेंट ने कहा आप टैक्स क्यों नहीं जमा करा रहे, कह रहा नहीं जमा करा मेरी मर्जी, कर लो जो करना है आपको। अभी कह रहा गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारे पेनल्टी लगाएंगे, कह रहे लगाओ पेनल्टी, क्या लगाओ पेनल्टी लगाओ। गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, इसने कहा केस कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर दो केस कर दो, मेरी हायरिंग आएगी उठ के चला जाऊँगा मैं। तो ना तो गवर्नमेंट से डर ना किसी डर रहा। अब बताओ इस केस में इससे टैक्स लेना ईजी है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉफ्टवेयर वाले को बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे सॉफ्टवेयर को, देख भाई तू अगर एडवोकेट से सर्विस ले रहा है तो तू उसकी मेहनत का पैसा उसे दे दे, जो उसकी मेहनत का पैसा है तो उसे दे दे, बाकी जो टैक्स का पैसा है वो मुझे जमा करा दे। लेकिन जमा कौन कराएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर। तो गवर्नमेंट ने बर्डन क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। काम तो इसका था गब्बर को टैक्स लेके और किसको जमा कराना, गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, इसको डर हो रहा है क्या टैक्स देगा या नहीं देगा, टैक्स देगा या नहीं देगा। तो गवर्नमेंट इससे डर रही है, इसी केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई हम तेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटीज नहीं डाल रहे, हम क्या कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर पर डाल रहे। बताओ कौन बंदा इसके अंदर ईमानदार है, ऐसे सॉफ्टवेयर वाला ईमानदार है, वो टैक्स गवर्नमेंट को इस तरीके से जमा करा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने बर्डन को शिफ्ट कर। ये तो एक एडवोकेट का एग्जाम्पल। मान लो मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ काजू की, किसकी खेती करता हूँ काजू की खेती करता हूँ, अफीम की, किसकी खेती करता हूँ अफीम की खेती करता हूँ। अब मान लो मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने काजू की खेती करी अफीम की खेती करी, अब गवर्नमेंट क्या मुझसे टैक्स लेगी, लेगी मुझसे टैक्स, मैं खेती करके आगे माल बेच रहा हूँ, जब माल बेचूंगा तो क्या लूंगा पार्टी से टैक्स लूंगा, किसको जमा कराऊंगा गवर्नमेंट से। अगर कभी तुमने देखा है किसान से कोई टैक्स लेता है, कभी देखा है आपने, नहीं देखा होगा, क्यों, किसान क्या होता है गरीब होता है, होता वैसे गरीब अमीर होगा अगर काजू की खेती कर रहा है अफीम की खेती कर रहा है तो अच्छी कमाई होगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मानती है इसको कि ये गरीब है। उसने हमने गवर्नमेंट ने बोला कि भाई किसान तुझे भी टैक्स देना है, तो किसान क्या बोलेगा, फांसी लगा लूंगा, क्या लगा लूंगा फांसी लगा लूंगा, और जैसे ही फांसी लगाऊंगा आपकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि आज भी चलता है किसान गरीब हैं, गरीब मानते हैं, लेकिन क्या हो जाएगी, लोग भावुक हो जाएंगे थोड़े से और हो सकता है आपकी सरकार गिर जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम तुम्हें छोड़, लेकिन जो तुमसे माल खरीदेगा सर, जो तुमसे माल खरीदेगा हम उससे टैक्स लेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, हम आपको नहीं टच करेंगे, लेकिन किसको नहीं छोड़ेंगे, जो आपसे माल खरीदेगा। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल सुन लो, आपने मूवी तो देखी होगी जंगल लेके, आपने सेंचुरी प्लाई का नाम सुना है, जो लकड़ी का काम करता है। आपने अगर अपने घर में कुछ भी बनवाते हो लकड़ी का, तो कौन सी कंपनी की लकड़ी सबसे बेस्ट मानते हैं, सेंचुरी कंपनी की लकड़ी अच्छी मानते हैं लोग। अब बताओ लकड़ी खरीदने के लिए लकड़ी कहाँ से खरीदता होगा, वो कहाँ से खरीदता होगा, मेरे घर के पीछे खेती है क्या, जंगल से खरीदता होगा, कहाँ से खरीदता होगा, जंगल से खरीदता होगा, मेरे घर के पीछे इतनी बड़ी तो खेती है नहीं कि मैं लकड़ी दे दूंगा, तो कहाँ से लेता होगा, जंगल से। क्या आप मुझे बताओ जंगल में जो लोग लकड़ी का बिजनेस करते हैं वो शरीफ होंगे, बहुत ईमानदार होंगे, नहीं, वो सारे बदमाश किस्म के होंगे। गवर्नमेंट टैक्स लेने जाएगी ना, तो गवर्नमेंट शायद वापसी ना आए, क्या ना हो, वापसी ना आए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम उस बंदे को नहीं पकड़ेंगे जो कहाँ बैठा हुआ है, जंगल में, हम किसको पकड़ेंगे, जो उससे माल खरीद रहे। तो गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, समझ आया, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को लगा कि मुझे टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने वहाँ क्या कर दिया, अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। गौरव उनको बोल दो उठ के आ जाएंगे, अपने साथ वाले को यहाँ उठ के आ जाओ,
अरुण दिख रहा है आपको साफ वहां से, आगे ले लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यही बात क्या बोली, यहाँ बोली द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। हम सभी तरह के प्रोडक्ट पर नहीं लगाएंगे, स्पेसिफाइड कैटेगरी पर, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, लेकिन किस पर, आरसीएम के बेस पर लगाएंगे। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट देखेगी, उस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट देखेगी कि आप टैक्स भरने के लायबल हो, क्या बर्डन को ले सकते हो, अगर बर्डन को ले सकते हो तो आपके ऊपर छोड़ेगी, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट कर देगी। क्या कर देगी, एग्जेम्प्ट। अभी बताता हूँ इसी केस के अंदर, अगर आप चल रहे हो, ये जो आपकी बात चल रही थी यहाँ आरसीएम वाली, अगर यही सर्विस ये गब्बर सिंह किसको देता है, एक इंडिविजुअल को देता, मान लो विवेक बैठा हुआ, इसकी शादी हो जाती है, शादी कर से क्या करवाना है, डिवोर्स करवाना है। अभी क्या इसका बिजनेस है अपना, परेशान मत हो, चलो मेरी शादी हो जाती है, ठीक है, मान लो मेरी शादी हो जाती है और मैं डिवोर्स करवा रहा हूँ, चलिए मैं आपका नाम नहीं यूज़ कर लूँगा, चलिए चलो फैसल की शादी हो जाती है, अच्छा एक्साइटेड है, ठीक है, अब फैसल की शादी हो जाती है, फैसल को क्या करवाना है, डिवोर्स कराना है, लेकिन फैसल कोई बिजनेस नहीं है, क्या ये इंडिविजुअल है, क्या ये इंडिविजुअल है। अब बताओ गवर्नमेंट को इंडिविजुअल से टैक्स लेना इजी है या बिजनेस से लेना इजी है, बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने कहा गब्बर सिंह किसको देता है, इंडिविजुअल को सर्विस देता है, तो टैक्स यही जमा कराएगा और कोई नहीं जमा कराएगा। गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें नोट करी हैं, हर चीज़ नहीं छोड़ी, अगर गब्बर सिंह इंडिविजुअल को देगा तो गब्बर सिंह टैक्स देके उससे लेगा और जमा कराएगा, चाहे वो जमा कराए ना, वो बात अलग है, लेकिन अगर ये किसी फर्म से लेगा तो फर्म टैक्स जमा कराएगा। तो गवर्नमेंट ने हर छोटी छोटी बातें सोची हैं, क्योंकि जो लॉ बनाता है वो हर चीज को जानता है कि आप कहाँ से टैक्स की चोरी कर सकते हैं। हम जैसे बहुत लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं जो टैक्स की चोरी करने में इंटरेस्ट है, चोरी नहीं कह सकते, प्लानिंग करने के लिए बैठे हूँ, ठीक है, तो यही बात सब इसके अंदर लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। तो गवर्नमेंट ने लिखा है ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाई टू सच रिसिपिएंट, किस पर अप्लाई होंगे, रिसिपिएंट पे अप्लाई होंगे, एज इफ ही इज पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन द रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लियर, ऐसे 14 लोग हैं, कितने लोग हैं, 14 लोग हैं जिनके ऊपर क्या लगता है, आरसीएम लगता है, क्या लगता है, आरसीएम लगता है। क्लियर है, आइए हम एक एक करके इन आरसीएम की कैटेगरी को पढ़ते हैं। वैसे तो हमारे पास आरसीएम की दो सेक्शन है, कौन से सेक्शन है, दो सेक्शन है, एक सेक्शन है आरसीएम जिसे बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक सेक्शन 9 क्लोज 3 का आरसीएम होता है और एक सेक्शन 9 क्लोज 4 का होता है। देखो सेक्शन 9 क्लोज 3 के अंदर 14 आरसीएम की कैटेगरी है, कितनी है, 14 कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करी है सेक्शन 9 क्लोज 3 के अंदर, कि अगर आप ऐसी सप्लाई करते हो जो सेक्शन 3 क्लोज 9 के अंदर आते हैं, सेक्शन 9 क्लोज 3 के अंदर आते हैं तो आप उसके बिहाफ से टैक्स दोगे, और अगर आप सेक्शन 9 क्लोज 4 के बिहाफ से आते हो, किसके बिहाफ से आते हो, सेक्शन 9 क्लोज 4 के बिहाफ से आते हो तो उसके बिहाफ से आपको अलग टैक्स है। तो याद रखना ये दो हैं, इसके अंदर क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल होती है, काउंसिल जाए तो जिस मर्जी कैटेगरी के पर्सन क्या कर सकती है, आरसीएम में ला सकती है, और किस कैटेगरी के अंदर, सेक्शन 9 क्लोज 3 के अंदर। और बता ये सेक्शन किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल खरीदते हैं तो उसका टैक्स आपको देना है, क्या करना है, उसका टैक्स आपको देना है। आपको पता है जब जीएसटी आया था तो बहुत लोग डर गए थे किस सेक्शन के मारे, इस सेक्शन के मारे, गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर तुम चाय भी खरीद रहे हो ना तो उसका टैक्स खुद लगा के गवर्नमेंट को दो। मैं अपने ऑफिस के लिए कुछ सफाई का इक्विपमेंट भी खरीद रहा हूँ ना किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उसका टैक्स मुझे खुद जमा करना पड़ता था,
अगर मैं बाहर कोई खाना खा रहा हूँ, हो गई, अभिषेक इनको सेल बता दो, क्या खा रहा हूँ, कहीं मैं बाहर खाना भी खा रहा हूँ ना, उसका टैक्स मुझे खुद देना होता था, उसे किसके अंदर कवर किया गया था, सेक्शन 9 क्लोज 4 के अंदर, सेक्शन 9 क्लोज 4 के अंदर। और पता है ये सेक्शन इतना बड़ा था, लोग डर गए थे इस सेक्शन के मारे, क्या डर गए थे लोग, इस सेक्शन के लिए डर गए थे, और गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को डिलीट कर दिया था 30 सितंबर 2019 तक, या पोस्टपोन कर दिया था, कब तक, 30 सितंबर 2019 तक। रीजन क्या था, रीजन सिंपल था, ये टैक्स में लोगों को बर्डन ज्यादा लगता था, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदो और क्या कर दो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, गवर्नमेंट कहता है यार मेरे बिजनेस की आइटम होगी, लाउडली बोलेंगे आप, इंक्लूड नहीं होता, गवर्नमेंट ने कहा अपने आप टैक्स लगाओ, अपने आप टैक्स लगाओ, मेरी बात समझना, गवर्नमेंट कहती है तुम किसी अनरजिस्टर्ड से माल खरीद रहे हो, वो तो टैक्स देगा नहीं, तुम खुद टैक्स लगाओ, खुद एक वाह भाई वाह, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम तो इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे, आप किसी फॉर्म में काम करोगे ना, यहाँ से कोर्स करने के बाद किसी फॉर्म में काम करोगे या इंडिविजुअल के पास काम करोगे, भाई इंडिविजुअल होगा तो ये जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जीएसटी का दूसरा नाम है बिजनेस टैक्स, जीएसटी का क्या नाम है दूसरा, बिजनेस टैक्स, बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टैक्स बोलते हैं, इंडिविजुअल पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, किस पे होगा, जो बिजनेस है, आप तुम वहीं खाना खा रहे वहीं टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराओगे, गवर्नमेंट ने कहा हम इंडिविजुअल को क्या करेंगे, माफी देंगे, और टैक्स किस पर चार्ज करेंगे, बिजनेस पर, क्लियर है, ये बात याद रखना, आरसीएम दो तरह के, एक सेक्शन 9 क्लोज 3 का, जिसमें गवर्नमेंट कौन करेगा, रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच विल अप्लाई, और इसके अंदर क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कल आप आए नहीं थे ना, सुनील खड़े हो जाए, रेडी वाला क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं अनरजिस्टर्ड, क्यों नहीं, कल कुछ और बात बताई थी मैंने, रवि खड़े हो जाए, रेडी वाले टैक्स क्यों नहीं भरेगा, पूनम लायबल नहीं और रजिस्टर्ड नहीं है, बैठ जाओ, वो रेडी वाला इसलिए टैक्स नहीं भरता क्योंकि वो सेक्शन 22 और 24 के हिसाब से, चलो भैया आपके हिसाब से पर डे 2000 रुपये, कितना पर डे 2000, महीने में 30 दिन होते हैं, कितना हो जाएगा 60, साल में कितने महीने होते हैं, कितना हो गया 7,20,000, और लिमिट कितने तक है 20 लाख तक, लायबल है बोलो, 5,000 कर लो, बड़ा कर लो, 5,000 कर लो, है? नहीं बता रहा हूँ आपके हिसाब से चलना, 5,200 कर लो भाई, आपकी मर्जी है, सेक्शन 25 क्लोज 3 पढ़ा था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मेरा मन चाहे तो मैं ले सकता हूँ, मेरा मन चाहे तो नहीं ले सकता, तो वो तो आपके, अगर आप कंडीशन में आओगे तभी तो ले रहे हो, अगर आप उस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करोगे तो नहीं आओगे ना, जीएसटी हर किसी के लिए बनाया गया है ना भाई, गवर्नमेंट ने बहुत सोच के बनाया हर चीज, आपके हिसाब से नहीं बैठे वहां पर कि वो रेडी वाला होगा या साइड वाला होगा, रेडी वाला चाहे तो जीएसटी लगा सकता है, ले सकता है, वो उसकी मर्जी है, माफी नहीं है किसी को भी, क्लियर, देखो
अब याद रखना गुड्स के केस में तो स्पेसिफाई गुड्स हैं, गुड्स पांच छह तरह के हैं। सेक्शन 9 क्लोज 3 के अंदर गुड्स कितने तरह के, पांच छह तरह के गुड्स हैं। पहला काजू, पहला कौन सा गुड्स है, काजू। अगर किसान काजू की खेती करके बेचता है तो उस केस में जो माल लेगा वो। दूसरा अगर आप बीड़ी लेते हो, क्या पीते हो, बीड़ी, तो क्या है, चुप, क्या है, अगर आप बीड़ी का बिजनेस करते हैं तो उस केस में कौन देगा, किसान नहीं देगा, कौन देगा, बीड़ी वाला जो माल खरीदेगा वो टैक्स देगा। दूसरा और भी थे मेरे को याद नहीं आ रहे, मैं बता देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू लीव हो गई, लॉटरी हो गई, सिल्क यार्न हो गया, यूज व्हीकल हो गए और सीज व्हीकल हो गए। कितनी कैटेगरी है, पहला कौन सा आपका, पहला था काजू, दूसरा क्या है, बीड़ी रैपर्स, तंबाकू, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यार्न और यूज व्हीकल। कौन से, यूज व्हीकल और सीज व्हीकल। जानते हो सीज व्हीकल क्या होते हैं, सीज व्हीकल नहीं जानते, आप देखो मार्केट में से लोग गाड़ियां उठा लेते हैं, पार्किंग में आप खड़ी नहीं करते तो गाड़ियां क्या करते हैं, स्कूटी उठा लेते हैं, कार उठा लेते हैं और कहाँ जमा कराते हैं, अपने स्टेशन पर जमा करा देते हैं। अब तुमने कहा चल कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ले गए तो ले गए, आप गए नहीं छुड़ाने, क्या वो लेने गए नहीं गाड़ी, गाड़ी वहीं पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही, 10 साल हो गए, क्या हो गए, 10 साल हो गए। गवर्नमेंट ने कहा कोई लेने आ तो नहीं रहा इस गाड़ी को, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी, उसकी नीलामी कर दी, क्या कर दी, नीलामी कर दी। तो गाड़ी को पहले सीज करा और क्या कर दी, उसकी नीलामी कर दी। और गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई नीलामी में आता है उस गाड़ी को खरीदता है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी, जो माल खरीदेगा वो टैक्स देगा। समझ आई बात, कपड़े की बात कर रहे हैं जो बनाते हैं, ठीक है, जो उनसे खरीदेगा वो टैक्स देगा आरसीएम बेसिस पर। समझ आ गई मेरी बात, तो याद रखेंगे कितने गुड्स हैं बोलेंगे मेरे साथ, पहला काजू, दूसरा बीड़ी, टबैको लीव्स, लॉटरी, सिल्क यान, यूज व्हीकल और सीज व्हीकल। अफीम बीड़ी के अंदर ही आ जाएगी भाई, टबैको लीव ये तो रही भाई, अगर आप ज्यादा ही शौकीन है उसके ज्यादा, ठीक है, ये लिमिट है, आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है 14 तरह की आरसीएम की कैटेगरी, कितनी कैटेगरी है, 14 टाइप ऑफ कैटेगरी, कितनी कैटेगरी की बात करें, 14 कैटेगरी। और इस कैटेगरी को अगर एप्लीकेबल कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, एप्लीकेबल कराना चाहते हैं, तीन बात याद रखना, सबसे पहले कैटेगरी ऑफ सर्विस ये वाली होनी चाहिए जो यहाँ लिखी होनी चाहिए, क्लियर है, सप्लायर ऑफ सर्विस जो दे रहा हो ये, और तीसरा रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो सप्ली सर्विस ले रहे हैं वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले कैटेगरी ऑफ सर्विस जो यहाँ लिखी हो वही कैटेगरी होनी चाहिए, दूसरा सर्विस का रेट जो हम बताएंगे वो होना चाहिए, और तीसरा लेने वाला सर्विस ये लोग होने चाहिए। अगर ये लोग सर्विस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सर्विस ले रहे हैं, तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे बड़ा आरसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी कैटेगरी है और जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगी वो कैटेगरी का नाम है ट्रांसपोर्ट। कौन सी कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटीए, क्या बोलते हैं, जीटीए, फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस। पता है ये सर्विस का जो सेक्टर है ना, है तो बहुत बड़ा सेक्टर, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, क्या नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ट्रांसपोर्ट का काम तो कर रहे होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और गवर्नमेंट को उनको क्या लगाता है, डर लगाता है कि टैक्स दें या ना दें। लेकिन सर आप ऐसी बात नहीं बोल सकते, आप सर ऐसी बात नहीं बोल सकते सर, क्यों, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे, हर लोग तो नहीं होते पढ़े लिखे, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत तो होंगे ना पढ़े लिखे, तो इसके अंदर मैक्सिमम लोग क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, लेकिन कंडीशन पूरी करने के बाद, उससे पहले आरसीएम नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले अगर जीटीए की सर्विस, अगर जीटीए की सर्विस कौन ले रहा है, फैक्ट्री वाला ले रहा है, कौन ले रहा है, जीटीए की सर्विस कौन ले रहा है, कंपनी वाला ले रहा है, जीटीए की सर्विस कौन ले रहा है, फर्म ले रही है,
जीटी की सर्विस कौन ले रही है? एओपीओ ले रही है। जीटी की सर्विस कौन ले रही है? सोसाइटी ले रही है। जीटी की सर्विस कौन ले रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ले। जीटी की सर्विस कौन ले रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। जीटी की सर्विस कौन ले रहा है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इनके ऊपर क्या होगा? आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और इनके अलावा कोई दूसरा बंधन लेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? फॉरवर्ड चार्ज। और जानते हैं फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? जब ट्रांसपोर्ट वाला उसको बिल काटेगा क्या लगाएगा? टैक्स भी लगाएगा। क्या लगाएगा? टैक्स। लेकिन सर आपने तो यहाँ मुझे बात बोली थी जो इस कैटेगरी के अंदर है, तो यही कैटेगरी यहाँ भी लिखी हुई है। ये फुल फॉर्म में लिखी हुई है, ये शॉर्ट में मैंने कर दी। जैसे सर्विस कौन सी है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसे बोलते हैं हम लोग जीटीएम। सर्विस कौन है? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट 1948। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्या लिख दिया? फैक्ट्री। फिर किसके बाद लिखी है यहाँ पर? किसकी लिखी है? सोसाइटी। फिर क्या लिखी है यहाँ पर? कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर क्या लिखी है यहाँ पर? जो बातें वहाँ लिखी थी वो बातें मैंने यहाँ लिख दी। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि अगर आप गवर्नमेंट से किसके, अगर आप फैक्ट्री वाले हो और किसकी सर्विस लेते हो? जीटीए की सर्विस लेते हो। अगर आप कंपनी हो किसकी सर्विस लेते हो? जीटीए की सर्विस लेते हो। अगर आप फर्म हो किसकी सर्विस लेते हो? जीटीए। तो उस केस में आरसीएम आपको देना है। क्या देना है आपको? आरसीएम देना है। और अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा पर्सन है तो कौन देगा? वो फॉरवर्ड चार्ज पर देगा। किस पर देगा? फॉरवर्ड चार्ज पर देगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात बोली। क्या बोली? आपको पता होगा जब जीटीए वाला है ना, कौन? जीटीए। जीटीए कौन होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये दो तरह का टैक्स लगाती है, एक लगाती है 5% और एक लगाती है 12%। कितना लगाती है? 12%। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम कितने परसेंट टैक्स ले रहे हो? 5%। या फिर कितने परसेंट ले रहे हो? 12%। गवर्नमेंट ने कहा भाई देख, पहले तू मुझे बता, तू 5% टैक्स देगा या 12% देगा? बताओ आप में से कौन दोगे? 5% देना पसंद करोगे या 12% देना पसंद करोगे? 5% देना पसंद करो। अगर आपने बोला 5, तो गवर्नमेंट कहेगी आरसीएम के अंदर आ जाओ। किसके अंदर आ जाओगे? आरसीएम। मैंने कहा 12, तो आरसीएम के अंदर आप नहीं आओगे। सर मैं 5 में जाऊँ या 12 में जाऊँ, आप मुझे कुछ एडवाइस करो। मुझे नहीं पता मैं 5 में जाऊँ या 12 में जाऊँ। गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम अपने व्हीकल का क्या लेना चाहते हो? आईटीसी लेना चाहते हो। क्या लेना चाहते हो? आईटीसी। जानते हो आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आप सपोज करो आपने 10 लाख रुपए का एक व्हीकल परचेस करा, एक टाटा 407 परचेस करा। क्या परचेस करा? वो कितने का था? 10 लाख रुपए का था। कितने का था वो? इस पर 18% टैक्स लगा। कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 तुमने गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम ये पैसा वापसी लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? पैसा वापसी लेना चाहते हो, उसे बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं हम? आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर तुम आईटीसी लेना चाहते हो तो आप पर टैक्स लगेगा 12% के हिसाब से। कितने के हिसाब से लगेगा? 12% के। और अगर आप इसका आईटीसी नहीं लेना चाहते तो कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा? 5%। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया। क्या दिया गवर्नमेंट ने हमें? ऑप्शन दिया अगर आप आईटीसी लोगे तो कितने परसेंट टैक्स चार्ज करोगे? 12%। और आईटीसी नहीं लोगे तो कितने परसेंट चार्ज करोगे? 5%। ये मेरे ऊपर ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12% लेंगे या 5% लेंगे? ये जब जीएसटी नंबर लेंगे तो तुरंत वहीं मेंशन कर देंगे कि मैं आईटीसी नहीं लूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं आईटीसी नहीं लूंगा। क्लियर? सर आईटीसी कौन लेता है? देखो अगर छोटे बिजनेसमैन है तो आईटीसी नहीं लेते, कहते जाने दे यार मैं नहीं ले रहा आईटीसी, कौन झमेले में पड़े। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट है, जिनके पास अपने 50 व्हीकल है, 20 व्हीकल है, 30 व्हीकल, उनका तो आईटीसी बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो उन लोगों ने कहा भाई हम तो उसका आईटीसी लेंगे। और कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 12%। और वो आरसीएम नहीं लेंगे, वो आरसीएम नहीं लेंगे। और वो किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंदर आ जाएंगे? वो फॉरवर्ड चार्ज। किस में आ जाएंगे? फॉरवर्ड चार्ज। और अगर 5% होंगे तो किसके अंदर आ जाएंगे? वो आरसीएम। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये बात गवर्नमेंट ने यहाँ समझाई, पर्सन लाइबल टू पे द टैक्स अंडर जीटीए सर्विस। अगर आप 5% दोगे, क्या दोगे?
5% रिसिपिएंट इन वन ऑफ द स्पेसिफाई रिसिपिएंट, जो स्पेसिफाई रिसिपिएंट मतलब कौन सा, ये लोग, ठीक है, तो क्या चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज होगा, और पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन सच रिसिपिएंट। दूसरा, अगर मैं क्या करता हूँ, रिसिपिएंट इन अदर देन स्पेसिफाई रिसिपिएंट, तो उस केस में क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा उस केस में, वो एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा क्या लिखा है, अगर मैं 12% चार्ज होगा तो क्या चार्ज करूंगा मैं, फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा होगा, फॉरवर्ड चार्ज, कौन सा टैक्स आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई पूरी, कोई दिक्कत, क्लियर। कैसे एग्जेम्प्टेड हो गया ये वाला, आप इंडिविजुअल, आपने कहा मेरा घर खाली होना है, आपने ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल करा, एबीसी ट्रांसपोर्ट, उसने कहा भाई माल मेरा दिल्ली से यूपी ले जाना है, उसने कहा ले जाऊंगा, 5000 रुपये दे देना। आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, कैब टैक्स दोगे आप उस पर्सन को, दे दोगे टैक्स, नहीं दोगे, क्योंकि आप क्या हो, इंडिविजुअल, तो क्या होगा, आप एग्जाम हो जाओगे, क्या हो जाओगे, एग्जाम। क्लियर, ये बात को याद रखना जो बात मैंने आपको अभी बताई, और यही बात गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%, अगर कोई क्या करता है 6% क्या नहीं करता, पे नहीं करता, तब वो आसिम के अंदर है, अदरवाइज आसिम के अंदर नहीं। पता है यहाँ आधा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, और जब भी किसकी बात होगी, आधे की बात होगी, और ये कितने परसेंट वालों को कवर करता है, 5% वालों को कवर करता है। समझ आ गई मेरी बात। इसके बाद नीचे आओगे, ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, 5% करोगे तो आसिम के अंदर आओगे, और 5% नहीं करोगे तो किसके अंदर चले जाओगे, फॉरवर्ड। पता है आसिम इतना बड़ा है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आसिम। सर कैसे प्रॉब्लम करता है, कहानी बता दीजिए। आपने पीछे सेक्शन 24 पढ़ा था, जिसका नाम था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर एक थर्ड था हमारा इसके अंदर कंपलसरी आसिम। क्या था हमारा, कंपलसरी आसिम था। क्या था आपका, कंपलसरी आसिम। कंपलसरी आसिम क्या था कि अगर आप आसिम के अंदर आ दो, आपको जीएसटी नंबर लेना है स्टार्ट। मान लो मेरी कंपनी, इसका नाम क्या है, एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, मेरा टर्नओवर है ना वो 3 लाख रुपए का है साल का। कितने लाख का है, 3 लाख रुपए, और मैंने ना ही जीएसटी नंबर लिया, मैं आराम से बिजनेस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बिजनेस कर रहा था, चल रहा था मेरा काम। लेकिन मुझे लगा यार मेरा ऑफिस ना आज़ाद नगर में, मैं इसको चेंज करके कहाँ ले जाता हूँ, लक्ष्मी नगर ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ, लक्ष्मी नगर ले जाता हूँ। क्लियर, मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल करा, ABC ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा भाई शिफ्टिंग करानी है, सर करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या बोला, शिफ्टिंग करानी, करा दूंगा। मैंने कहा भाई कितने पैसे लेगा, उसने कहा भाई 30,000 रुपये लूँगा। क्या लूँगा, 30,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा ओके भाई कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्ट की क्या ले ली, सर्विस ले ली, तो मेरे ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगा, कंपलसरी लायबल हो जाएगा, और उसके से मुझे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और आप किसकी सर्विस ले रहे हो, GTA की सर्विस ले रहे हो, किसकी सर्विस ले रहे हो, GTA की ले रहे हो, आपका बिजनेस चाहे 10 लाख से 20 लाख से नीचे भी हो, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी। इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन है, यही एक सेक्शन है जो लोगों को परेशान कर रहा है। मैं छोटा बिजनेस में हूँ, लेकिन मैं जैसे GTA की सर्विस ली, तो जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा मेरे को। क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो। क्लियर है, ये बात अपने माइंड में याद रखना कि अगर एक बिजनेस लेता है GTA की सर्विस, चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, तब भी उस केस के अंदर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। कहीं भी ले जाए, किसी भी एक्ट में ले जाए। दूसरा सर, GTA किसको बोलते हैं, आप GTA करें, GTA बोलते किसको, वो ट्रांसपोर्ट जो क्या इशू करती है, बिल्टी इशू करती है। क्या इशू करती है,
बेल्टी इशू करती है उसे जीटीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? जीटीए। जो भी ट्रांसपोर्ट हमें क्या करती है? बेल्टी इशू करती है, उसे क्या बोलते हैं? जीटी। सर बेल्टी क्या होती है? बेल्टी होती है जब आप कोई माल खरीदते हो, आप क्या खरीदते हो? जब कोई माल खरीदते हो उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसे बेल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल्टी। या बहुत से लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एलआर। क्या बोलते हैं? सर एलआर नंबर। क्या बोलते हैं? एलआर नंबर। बहुत से लोग इसे जीआर नंबर बोलते हैं। तो अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट क्या इशू करती है? बेल्टी इशू करती है। क्या इशू करती है? बेल्टी इशू करती है। तो किसके अंदर आ जाएगी वो? आरसीएम के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? आरसीएम। और जो भी ट्रांसपोर्ट बेल्टी इशू नहीं करती वो आरसीएम के अंदर कवर नहीं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ चीज़ें और बात याद रखनी। इतना करने के बाद हमें आगे चल के एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 11। कौन सा सेक्शन? 11, जिसका नाम क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। क्या लिखा है? एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें माफ़ी देंगे। क्या देंगे गवर्नमेंट? माफ़ी। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप किसकी सर्विस लेते हो? जीटीए की सर्विस लेते हो। किसकी सर्विस लेते हो? जीटीए की सर्विस लेते हो। और आपकी माल की वैल्यू कितने से कम है? 750 रुपये से कम है तो आपको आरसीएम नहीं देना। तो आरसीएम नहीं देना। क्लियर? बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आप किसके अंदर कवर होते हो? जीटीए की सर्विस ले रहे हो लेकिन आपका जो किराया है कितने से कम है? 750 रुपये से कम है तो आपको आरसीएम नहीं देना। लेकिन सर इस ट्रक में मेरा माल भी जा रहा है, विवेक का भी जा रहा है, अंजलि का भी जा रहा है, एक ही ट्रक में तीन लोगों का माल जा रहा है और टोटल जो किराया है ना वो 3400 रुपये आया तीनों का। कितने का आया? और अगर हम डिवाइड करें 3 से तो पर पर्सन कितना आ जाएगा? 1133 रुपये। और गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि अगर आप 3 लोगों का या 10 लोगों का माल लेके जा रहे हो और सिंगल पर्सन की जो कैरिज है वो 1500 रुपये ज़्यादा नहीं है तो भी आरसीएम नहीं आए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको याली? कोई प्रॉब्लम? तो ये दो बातें याद रखनी है। अगर हम पूरा ट्रक में माल बेचें 10 लोग तो हम सभी का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उसका 1500 से कम होगा तो आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन मैं इंडिविजुअल एक माल लेके जा रहा हूँ, एक ही ट्रक के अंदर मेरा जा रहा है और 750 से कम है तो क्या होगा? माफ़ होगा। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि आप क्या बेचते हो? रिलीफ मटेरियल बेचते हो। जैसे बाढ़ आ गई, आप खाने के सामान बेच रहे हो, भेज रहे हो यहाँ से दिल्ली से उस जगह पर, तो भी क्या है वो? माफ़ है। आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, वो भी क्या है? माफ़ है। क्लियर है? मैगजीन भेज रहे हैं वो भी माफ़ है। मिलिट्री का इक्विपमेंट भेज रहे हैं वो भी क्या है? माफ़ है। आप ये लिस्ट पढ़ लेना, इसके अंदर मिल्क माफ़ है, सैल्ट माफ़ है, जो भी चीज़ें वो सब इसके अंदर कवर है। आपके पास प्लीज़ पढ़ लेना, मैं आपको ये नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, आप एक बार से कैजुअली पढ़ लें। आज हमने एक पढ़ा और ऐसे हमें अभी 11 कंडीशन और पढ़नी है। कितनी? लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन आज की जो आपने पढ़ी और सबसे इम्पोर्टेंट में से एक। ठीक है,